पुलिस की सख्ती, 2944 लोगों से 4,68,000 रुपए का जुर्माना वसूला। कोरोना की नई गाइडलाइन के साथ ही पुलिस ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 2944 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इनमें से 4,68,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। जयपुर में 378 जगहों पर नाकाबंदी की जा रही है। बिना वजह घर से बाहर निकलने वाले 471 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं आमेर में गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर जिम संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। जयपुर में पुलिस ने अब तक 2,93,000 लोगों के खिलाफ चालान किया है। पुलिस बाहर घूम रहे युवकों को क्वारंटाइन भी कर रही है। इधर कोरोना काल में जिम खोलकर बैठा युवक, आमेर में बिना वजह बाहर घूम रहे 27 युवकों को पकड़ा। SI रोहताश कुमार ने बताया है कि बिना वजह बाहर घूमने पर 27 लोगों को पकड़ा है, उनके खिलाफ चालान किए गए। इसके अलावा पुलिस की टीम अकबरी मस्जिद के पास पहुंची, वहां पर इंडियन जिम खिली हुई थी। पुलिस ने जिम संचालक शहजाद पुत्र याकूब निवासी हांडीपुरा आमेर को गिरफ्तार किया और इसके खिलाफ मास्क, थूकने और दूरी नहीं रखने पर भी चालान। मास्क नहीं लगाने पर 364 लोगों से वसूले 1,82,000। दुकानों पर बिना मास्क सामान लेने पर 19 चालान कर 9,500 रुपए वसूले। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 211 लोगों पर कार्यवाही कर 42,200 रुपए वसूले। 6 फीट की दूरी नहीं रखने पर 2,35,000 रुपए वसूले। पुलिस ने कहां कहां कितने चालान किए हैं। जिला में 24 घंटे में जब्त वाहन, 24 घंटे में जुर्माना। पूर्व 46,230,4100, पश्चिम 102,150,1400, उत्तर 29,118,3300, दक्षिण 32,134,5800 या कायाद 262,379,1025, टोटल 471,101,25825।